हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक इंस्टाग्राम की वायरल रील्स वीडियो की एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। गाइस, जैसे कि प्रीव्यू में आपने ये वीडियो देखी थी फ्रेंड्स, उस डिजाइन की वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है और आज मैं आपको यही बताने भी वाला हूँ कि आप कैसे उसमें अपना फोटो या फिर किसी का भी बर्थडे है उस फोटो को आप उसमें ऐड करके अपने व्हाट्सअप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस या फिर आप अपनी रील बनाना चाहते हैं तो अपने फोटो को ऐड करके उस वीडियो को रील पर भी अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से इस रील की एडिटिंग बताने वाला हूं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे और इस वीडियो को देखकर आपकी ये रील क्रिएट हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको पर डे न्यू से न्यू ट्रेंडिंग रील्स की एडिटिंग का ट्यूटोरियल लाते रहता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अब चलिए चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपनी फोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एक VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अब मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और गाइस, ओपन करने के बाद अब आपको एडिटिंग के लिए प्लस पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। देन गाइस, अब यहाँ पर आपको एक वीडियो को ऐड कर लेना है। तो जिस वीडियो को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को प्ले स्टोर से, यानी कि इस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो वीडियो आप मेरी देख रहे हैं वहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, अब आपको हल्का हल्का थोड़ा सा स्क्रॉल करना है प्ले करने के बाद और यहाँ पर आप लास्ट मोमेंट देख रहे होंगे, आपको 3.25 पर रोक लेना है। यहाँ पर मैंने 3.25 पर रोक लिया है, आप देख लीजिए। अब आपको एक ऑप्शन स्प्लिट का मिलता है, आपको स्प्लिट कर देना है। जो अदर पार्ट है आपका, इस अदर पार्ट को, नेक्स्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। ओके गाइस, अब यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन का छोटा सा लोगो आता है, आपको इसको भी डिलीट कर देना है। अब आपका सेकंड स्टेप गाइस, आपको ऊपर ओरिजिनल दिख रहा होगा, आपको सिंपली ओरिजिनल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 9:16 पर क्लिक कर देना है। ओके गाइस, अब यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है और थर्ड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वीडियो एंड फोटो का, आपको इस पर क्लिक करना है, फोटो पर क्लिक करना है। देन गाइस, आपको यहाँ पर 6 फोटो ऐड कर लेनी है। तो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 6 फोटोज ऐड कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पर आपको नीचे रेड ब्लू एरो पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपके सारे फोटोज ऐड हो जाएंगे। अब आपको अपनी फोटो की ड्यूरेशन कर लेनी है। ओके गाइस, तो फर्स्ट फोटो को आपको ड्यूरेशन करने के लिए दो फिंगर की मदद से थोड़ा इसको जूम कर लेना है और जूम करने के बाद आपको फर्स्ट फोटो की ड्यूरेशन करनी है 0.90। तो मैं यहाँ पर 0.90 इसकी ड्यूरेशन कर लेता हूँ। ओके गाइस, मैंने यहाँ पर 0.90 इसकी ड्यूरेशन कर ली है। अब यहाँ पर आपको सेकंड फोटो की ड्यूरेशन करनी है 2.25। तो मैं यहाँ पर सेकंड फोटो की ड्यूरेशन 2.25 कर लेता हूँ। अब देखिए गाइस, मेरी 2.25 इस सेकंड फोटो की ड्यूरेशन भी हो चुकी है। अब आपको अपने थर्ड फोटो की ड्यूरेशन करनी है 1.35। तो यहाँ पर 1.35 में थर्ड वाले फोटो की ड्यूरेशन कर लेता हूँ। ओके गाइस, अगर आपका 36 या 34 होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इतना एडजस्ट वीडियो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके गाइस, अब आपको जो इससे नेक्स्ट वाला फोटो है, आपको उस फोटो क्लियर करनी है 1.50। आप इसको नोट कर लीजिए अगर आपको याद नहीं रहता है तो, मैं कौन कौन से फ़ोटो की कितनी बड़ी लेयर कर रहा हूँ और मैं आपको बाद में भी बता दूंगा कि मैंने कौन सी फ़ोटो की कितनी बड़ी लेयर करी है। ओके गाइस, आपको 1.50 इसकी लेयर भी कर लेनी है। अब आपको इससे नेक्स्ट वाले फ़ोटो क्लियर करनी है 1.10। तो यहाँ पर 1.10 में इसकी लेयर कर लेता हूँ, 1.10। ओके गाइस, यहाँ पर मैंने 1.10 इस क्लियर कर ली। अब आपका लास्ट फोटो आता है, आपको लास्ट वाले फोटो क्लियर करनी है 1.0, यानी कि 1.5 आपको कर लेनी है। ओके गाइस, यहाँ पर मैं इतनी कर लेता हूँ, इसको 1.5 कर लेता हूँ। ओके गाइस, अब मैंने आपको बता देता हूँ, मैंने फर्स्ट वाले फोटो की क्लियर करी है 0.90, सेकंड फोटो की क्लियर करी है 2.25 और थर्ड वाले फोटो की क्लियर करी है मैंने 1.35, फोर्थ वाले फोटो की क्लियर करी है मैंने 1.51 और फाइव वाले फोटो क्लियर करी है मैंने 1.10 और लास्ट वाले फोटो की मैंने क्लियर करी है 1.5। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आप एडिटिंग करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके गाइस, अब यहाँ पर आपको इसमें वॉल्यूम ऐड करनी है, तो ऊपर म्यूजिक पर क्लिक करना है, म्यूजिक पर क्लिक करने के बाद प्लस पर क्लिक करना है, थर्ड नंबर पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको फिर से उसी वीडियो पर टैप करना है और टैप करने के बाद गाइस, आपको फिर से ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चूज पर क्लिक करना है, राइट पर क्लिक कर देना है। मैंने आपको पहले ही इस वीडियो को डाउनलोड करा दिया था इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, जो आप मेरी देख रहे हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पर आपने जो ये वीडियो ऐड करी थी, आपको इस वीडियो की वॉल्यूम को जीरो कर लेना है। तो वॉल्यूम पर क्लिक करना है
और इसकी जीरो कर लेना है, नहीं तो डुप्लीकेट यानी कि टू टाइप वॉल्यूम हो जाएगी तो वहाँ पर अच्छी नहीं लगेगी। ओके गाइस, अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन गाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने आपको एक फोटो ऐड कराया था 0.90 सेकंड का, तो आपको इस फोटो के तीन पार्ट कर लेने हैं, यानी कि 30-30 सेकंड के आपको तीन पार्ट कर लेने हैं। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, सबसे पहले गाइस आपको जो यहाँ पर 90 वाला फोटो है आपको इसको पहले लेयर करनी है 0.30, आप समझ रहे होंगे यहाँ पर आपको लेयर करनी है 0.30। ओके गाइस, पहले आपकी ये लेयर जो थी 0.90 थी, यानी कि 90 का अगर आप तीन गुना करेंगे तो 30-30 आता है। तो आपको क्या करना है, आपने 30 कर लिया है, अब आपको दो पार्ट और इसी सेम फोटो के करनी है, तो आपको इस फोटो पर टैप करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट का, आप तो इस फोटो को डुप्लीकेट कर देना है और फिर से आपको इस फोटो को एक डुप्लीकेट कर देना है, यानी कि 30-30 सेकेंड के तीन पार्ट हो गए तो टोटल 90 हो चुके हैं। ओके गाइस, आपने यहाँ पर देखा होगा। अब गाइस, अब यहाँ पर आपको इस फर्स्ट वाले फोटो में एफएक्स लगाना है, सिंपली आपको एफएक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक एफएक्स लगा देना है गाइस, यहाँ पर आपको जिटर डाउन वाला एफएक्स लगा देना है। ओके गाइस, जिटर डाउन वाला आपको एफएक्स लगा देना है, राइट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको फिर से गाइस एफएक्स पर क्लिक करना है और जिटर डाउन वाला आपको एफएक्स लगा देना है। इसके नेक्स्ट वाले फोटो पर भी आपको जिटर डाउन का ही एफएक्स लगाना है। ओके गाइस, अब यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट वाले नेक्स्ट फोटो आते हैं, आपको सबसे पहले जितने भी आपको इस फोटो से यानी कि जितने भी आपको प्लस के साइन देख रहे हैं, यहाँ पर आप प्लस के साइन देख रहे हैं, आपको सबसे पहले सारे प्लस के साइन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जूम इन वाला एफएक्स मिलता है। आपको जूम इन वाले एफएक्स पर सब जितने भी प्लस के साइन है आपको सारे प्लस के साइन पर जूम इन वाला एफएक्स लगा देना है। ओके गाइस, मैं यहाँ पर सारे फोटोज़ पर प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको गाइस जूम इन वाले एफएक्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं जल्द से जल्द इसको कर लेता हूँ। ओके गाइस, मैंने यहाँ पर सारे फोटोज़ पर जूम इन वाला एफएक्स लगा लिया है। अब गाइस आपने यहाँ पर देखा, अगर आप इस फोटो पर क्लिक करते हैं प्लस पर तो यहाँ पर आपका वो एफएक्स नहीं आता है। ओके गाइस, अब यहाँ पर आपकी रील जो है क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इसमें एफएक्स लगाना चाहते हैं, इस फोटो में अगर आप एफएक्स लगाना चाहते हैं तो एफएक्स पर क्लिक करना है और इन सारे फोटोज़ पर आपको शेक इफेक्ट वाला एफएक्स लगा देना है। तो मैं यहाँ पर सारे फोटोज़ पर शेक वाला इफेक्ट लगा लेता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए। और इसकी ड्यूरेशन आपको स्टार्टिंग से रखनी है, मैं आपको पहले ही बता रहा था। ओके गाइस, अब यहाँ पर मैं सारे फोटोज़ पर शेक वाला इफेक्ट लगा लेता हूँ। इसको आपको स्टार्टिंग से करना होता है, आपको ये याद रखना है गाइस, इफेक्ट्स पर शेक, आपको इसको स्टार्टिंग से कर लेना है ताकि आपको बनाने में रील को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और वैसे गाइस बिल्कुल इजी एडिटिंग है इस रील की, उम्मीद करूंगा आपको भी कोई प्रॉब्लम इस रील की एडिटिंग में नहीं होगी। अब यहां पर मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके भी दिखा देता हूं लाइव प्रूफ। सो गाइज, आप यहां पर देख रहे हैं हमारी ये रील काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल बन चुकी है। अब यहां पर आपको इस रील को गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और विदाउट किसी प्रॉब्लम के आपकी गैलरी के अंदर ये वीडियो एक्सपोर्टिंग हो जाएगी। सो देखा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कितने सिंपल तरीके से इस रील्स की एडिटिंग कर ली है। गाइस, अगर आपको इंस्टाग्राम पर कोई भी ट्रेंडिंग रील्स की एडिटिंग करानी हो तो मुझे आप उस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।